हमारे यहाँ जितने साथी बैठे हुए हैं सब शिक्षक हैं, कुछ बेसिक से हैं, कुछ माध्यमिक से हैं, ये सब लोग यहाँ बैठे हैं। उद्देश्य क्या है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आज का? हमारा उद्देश्य बस इतना है कि 1 अप्रैल 2005 के पहले जिन पदों का विज्ञापन हो गया था उन सारे लोगों को केंद्र सरकार की भांति पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाए। हम लोगों ने कई सारे पत्राचार किए हैं लेकिन हम लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच नहीं पा रही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भारत सरकार ने कर दिया है, कई राज्यों ने कर दिया है, इसलिए हम पुरानी पेंशन सबके लिए इस योजना को नहीं उठा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार का अपना नीतिगत निर्णय है, वो चाहे इस पर करे निर्णय, लेकिन यह एक टेक्निकल मामला है, इसमें सिर्फ एक शासनादेश होना है, यह नीति का विषय नहीं है। इसलिए हमारा विनम्र प्रार्थना है उत्तर प्रदेश सरकार से कि यह जो 1 अप्रैल 2005 के पहले जिन पदों का विज्ञापन हो गया था उन पदों को कम से कम पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की कृपा करें। आपको ढेर सारा हम सबकी शुभकामना है, हम सबका सहयोग है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं मानती है आपके इस आदेश को तो आप लोग कहाँ जाएंगे? अगर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानती है ऐसा हम सोचते ही नहीं। हमारी अगाध विश्वास है, अगाध आस्था है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचती है तो निश्चित रूप से इसको लागू करेंगे। क्योंकि इसको समझने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है या कोई हमारी ऐसी मांग नहीं है जो हम कोई आर्बिट्रेरी मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस पर भारत सरकार ने शासनादेश जारी किया है, तो हम नहीं मानते। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव कहते हैं और डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की ताकत से प्रदेश का विकास हो रहा है, तो कैसे डबल इंजन में एक इंजन को माइनस करके उत्तर प्रदेश की सरकार कोई ऐसा निर्णय लेगी जिसमें डबल इंजन का कोई उपयोग न होता हो। इससे पहले अपनी बात आपने किसके माध्यम से कैसे पहुंचाई थी मुख्यमंत्री तक? हम लोगों ने तत्कालीन ACS आराधना शुक्ला जी थी, हम लोगों का पत्राचार हुआ। आराधना शुक्ला जी तो बल्कि निर्देशित भी कर दिया था विभाग को कि आप ऐसे सारे लोगों का डेटा इकट्ठा करो, इनको दे होगा ये, क्योंकि ये जेन्युइन चीज़ है। लेकिन फिर पता नहीं कैसे बीच में रुक गया, तो पत्राचार हम लोगों का शीर्ष तक हुआ है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोगों की बात नहीं पहुंची। कितनी संख्या होगी लगभग? ये लगभग आप मान के चलिए कि 70-80 हज़ार के आसपास संख्या होगी।